ये अर्टिगा खड़ी है हमारे पास, और स्कॉर्पियो हमारे पास खड़ी है, इको स्पोर्ट हमारे पास खड़ी है, ब्रिज़ा हमारे पास खड़ी है। चैनल ऑटो एक्सपर्ट, उनके लिए हैवी डिस्काउंट की एक उम्मीद करना चाहता हूँ आपसे। तो आपके थ्रू आएंगे, उनको अच्छा डिस्काउंट देंगे ही देंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। टायर्स भी आपको बिल्कुल न्यू देखने को मिल, बाकी बैकलाइट देख लो बिल्कुल न्यू जैसी कंडीशन में, लाइट्स में कोई स्क्रैच नहीं है। सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग, मेरा नाम अमन और आप देख रहे हो ऑटो एक्सपर्ट। तो आज मैं आया हूँ साई मोटर्स पे, और यहाँ के जो ओनर है विवेक भैया मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त है, उनके साथ पहली वीडियो है, तो उनके साथ एक स्पेशल कार कवर करने आया है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि एक स्पेशल कार आई हुई है, चार पाँच दिन पहले उनके पास स्टॉक में आई है, तो गाड़ी डिटेल लेते हैं, भैया से बात करवाता हूँ। तो आप यहाँ पर साई कार्स का बोर्ड देख सकते हैं, तो उन्होंने चलते हैं भैया से मिलते हैं। हाँ जी भैया जी, क्या हाल है? और आपका इंतजार था। तो सबसे पहले वेलकम आपका हमारे चैनल पे, क्योंकि आपकी आपके साथ पहली वीडियो है। तो एक बार व्यूअर्स को हेलो कर दो। हेलो। तो टाइम वेस्ट ना करते हो भैया, बस ये बताओ आज कौन सी गाड़ी की डील करने के लिए? भैया होंडा सिटी आई थी हमारे पास, तो मैंने कहा भैया को, अमन भैया को बुलाया जाए, एक बार दिखाया अपने व्यूअर्स को, हमारी फैमिली मेंबर को, सबको, फैमिली को दिखाया जाए गाड़ी। एंड भैया बस एक स्टार्टिंग से बात बोलना चाहता हूँ, अपना जो चैनल ऑटो एक्सपर्ट, उनके लिए हैवी डिस्काउंट की एक उम्मीद करना चाहता हूँ आपसे। तो आपके थ्रू आएंगे, उनको अच्छा डिस्काउंट देंगे ही देंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो ये काम करते हैं ना, फिर लेट क्यों करते हैं, सीधा गाड़ी डील करते हैं। चलो तो गाइस, ये वो होंडा सिटी जिसके बारे में आपसे बात की थी, 2010 मॉडल है ये। एंड ये कितनी चली हुई है, प्राइस क्या है, ये आपको अभी अंदर जाके पता चलेगा। एक बार सबसे पहले आपको इसका वॉल क्राउंड दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड से बैक साइड से कैसी लग रही है। बिल्कुल गाड़ी न्यू कंडीशन में है, ये देखिए। टायर्स भी आपको बिल्कुल न्यू देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी मेंटेन कार है यार, देख के बिल्कुल लग नहीं सकता कि 2010 मॉडल है। बाकी आप लाइट्स की कंडीशन देख सकते हैं, हेलोजन बल्ब के साथ लाइट मिलती है, क्योंकि 2010 में एलईडी का ज़माना नहीं आया था यार। एंड ये फॉग लाइट, ये देखिए, ये सारे इंडिकेटर, मिरर की कंडीशन आप देख सकते हैं। एंड ये देखिए वाइपर, वाइपर भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। बाकी आपको एक बार इंजन दिखाता हूँ कि इंजन की क्या कंडीशन है। ये देखिए काफ़ी मेंटेन कार है यार, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी मेंटेन कार है। ये बैटरी, एंड साथ साथ एक बार बूट ओपन करते हैं, बूट की भी कंडीशन आपको अच्छी तरह पता चल जाएगी। ये देखिए, मेरे ख्याल से इसमें 300+ लीटर का बूट स्पेस आराम से मिल जाएगा। इसके नीचे एक और टायर मिलता है, बाकी बूट की कंडीशन आप देख सकते हैं। अगर ये अभी इसकी गाड़ी की अच्छी तरह क्लीनिंग नहीं हो रखी है, क्योंकि अगर अंदर से क्लीनिंग हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। बाकी बैकलाइट देख लो बिल्कुल न्यू जैसी कंडीशन में, लाइट्स में कोई स्क्रैच नहीं है। ये होंडा की ब्रांडिंग मिलती है। एंड ये एग्जॉस्ट, आपको बैक से इंटीरियर दिखाते हैं।
डोर्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आर्मरेस्ट पीछे से देख सकते हैं, एंड ऐसे दिखता है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, एंड ऊपर लाइट, गाड़ी की मैट भी बिल्कुल न्यू जैसे है। चलिए आगे से देखते हैं कैसे कंडीशन मिलती है। ये ड्राइवर डोर, ये पावर विंडो के बटन से, ये देखिए, बाकी हैंडल की आप कंडीशन देख लो। एंड अगर आप गाड़ी की डिलीवरी लेने आते हो तो ये चेंज हो जाएगी, ये जो हैंडल का आप देख रहे हो लेदर रैप, ये पूरा चेंज हो जाएगा। एंड ये जो गियर नॉब पे देख रहे हो ना, ये भी आपको पूरा चेंज करके मिलेगा। बाकी ये FM के कंट्रोल्स, ये सनवाइजर, डैशबोर्ड में देख सकते हो आप, बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आप कंडीशन देख सकते हो। एंड ये कार पेडल्स, तो अभी आप देख सकते हो यार मैट वगैरह काफ़ी गंदे हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने आओगे तो गाड़ी ये आपको बिल्कुल न्यू मिलेगी, क्योंकि आप ये भी आपको चेंज मिलेंगे। तो जो भी मैट वगैरह आपको गंदे दिख रहे हैं, सीट वगैरह जो आपको दिख रहा है हल्का डस्ट, ये सब क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगा, देखिए। बाकी बाहर से तो यार साफ़ नज़र है बिल्कुल, कि बाहर से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाहर से इसको अभी वॉश किया था, लेकिन अंदर से अभी इसकी रहती है, अंदर से अभी इसका अभी साफ़ सफाई बाकी है। बाकी आर्मरेस्ट मिल जाता है, हैंड ब्रेक की कंडीशन आप देख सकते हो। तो बस कहने का मतलब सिंपल सी बात है यार, लास्ट में ये बोलूँगा कि गाड़ी अगर अच्छे से क्लीन करा देना अंदर से बाहर से, बाकी इंजन वाइज तो बिल्कुल ठीक है गाड़ी यार, बाकी एक बार इसकी क्लीनिंग का काम हो जाए ना तो गाड़ी बिल्कुल न्यू जैसी मिलेगी, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी कार है। 2010 मॉडल है, कितनी चली हुई है, प्राइस क्या है, आपको अभी ऑफिस में जाके बताते हैं, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही है यार। बाकी धूप की हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आप लोगों तक अच्छी कार की डील पहुँचनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हो ये लोग साइज एंटीना, क्योंकि 2010 में शार्कफिन एंटीना देखने को नहीं मिलता ज़्यादा। एनिक्रोम के हैंडल्स, ग्राउंड क्लियरेंस तो मेरे ख्याल से कम इसमें 180 के आसपास का आराम से मिल जाएगा। बाकी साइड मिरर के वाइजर देखने को मिलते हैं, तो बाकी यार अभी आपको बताते हैं कितने किलोमीटर चली हुई है, मीटर में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ओनली 72,000, तो मतलब एक तरह से यार 72,000 चली हुई है। बाकी प्राइस क्या है इसका आपको अभी ऑफिस में जाके बताते हैं। चलो चलिए भैया, आप जल्दी डील बता दीजिए, व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। ये होंडा सिटी है, 2001.5 है, कंपनी अलॉय व्हील्स हैं और सेकंड ऑनर है, 2010 मॉडल है जून की, और 72,000 किलोमीटर चली है, वेल मेंटेन्ड कार है, बहुत बढ़िया है, ड्रिवन है, सब कुछ स्टॉक कार है बिल्कुल, कोई अपडेट मॉडिफिकेशंस की बाहर से नहीं हो रही, सब कुछ कंपनी वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ कंपनी, गाड़ी कोई मीटर टेम्परिंग नहीं है, कोई वो नहीं है, जेन्युइन है जो है। टायर्स भी आप देख सकते हैं, आपने दिखाए हैं, टायर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, स्टेपनी तक वेल मेंटेन कार है, बहुत बढ़िया, सब कुछ स्टॉक है, कोई बाहर से कुछ कुछ काम नहीं हो रखा, सब कुछ अच्छी वेल मेंटेन कार है। साई कार्स पे और किस किस कार, किस कंपनी की कार्स अवेलेबल होती है, किस सेगमेंट की? हमारे पास हर तरीके की गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, सेडान भी होती हैं और हैचबैक भी होती हैं, एसयूवीज भी होती हैं, ये अर्टिगा खड़ी है हमारे पास, और स्कॉर्पियो हमारे पास खड़ी है, इको स्पोर्ट हमारे पास खड़ी है, ब्रिज़ा हमारे पास खड़ी है, होंडा सिटी आपको दिखाई दी है, लैंट्रा खड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ, तो मल्टी ब्रांड्स होते हैं हमारे, मल्टी स्टॉक है। तो भैया अगर किसी के पास 2 लाख का बजट है तो आप कार, एक बेस्ट कार अवेलेबल करा सकते हो? आपको बजट में अच्छी
गाड़ियाँ दे देते हैं और CNG ऑन पेपर भी अलग दे देते हैं आजकल CNG ऑन पेपर। आजकल CNG की ज़्यादा डिमांड हो गई है, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, उस केसेस में लोगों को CNG प्रेफरेंस दे रहे हैं कि CNG चाहिए चाहिए। तो हम CNG की हमारे पास बहुत अच्छा स्टॉक है CNG की, फिलहाल तो जितना स्टॉक में गाड़ियाँ थी सब निकल गई हैं, बट फिर भी अभी मिल जाएंगी CNG की गाड़ी चाहिए। एक दो गाड़ी हमारे पास स्विफ्ट भी है CNG, 2009 मॉडल है, 2009 मॉडल है, CNG ऑन पेपर है, रेड कलर की बहुत अच्छी गाड़ी है, VXI मॉडल है, वो भी देख सकते हैं, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। चलो वो तो भैया आगे नेक्स्ट वीडियो में आप काफ़ी सारी गाड़ी कवर करने वाले हैं, अगर आप आगे विजिट करेंगे तो बहुत चीज़ मिल जाएगी देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया पर होंडा सिटी की डील बता दीजिए बस। होंडा सिटी का सर हमने प्राइस जो अपने साई कार पे रखा हुआ है 3,25,000 की डिमांड है, बाकी जो अमन भैया आपके रेफरेंस से आएगा उसको अच्छा डिस्काउंट देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, और ऑन टेबल नेगोशिएबल जो भी होगा वो करेंगे। तो बिल्कुल हैवी डिस्काउंट की उम्मीद कर सकते हैं साई कार से। गाड़ी भी बहुत अच्छी है, आपके थ्रू जो आएगा हम उसको हैवी डिस्काउंट भी देंगे और नेगोशिएबल जो होगा ऑन टेबल कर सकते होंगे वो भी अच्छा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भैया, तो भैया थैंक यू, आपने इतनी अच्छी डील दिलाई, बाकी आने वाले वीडियोस में काफ़ी सारी गाड़ी हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर आपको होंडा सिटी या किसी की भी कोई भी रिक्वायरमेंट कोई भी क्वारी चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर डायरेक्टली कॉल करके अपनी क्वारी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गुड लक।